हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ हूँ उदयपुर नगरी में। आपको एक ऐसी जानकारी देने के लिए मैं आज यहाँ हूँ कि जो अपना टॉपिक मैं रोज़ आपसे शेयर करता हूँ कि किस राशि पे या किस प्रकार से हमारे जीवन में हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक ऐसा उपाय मिला है, ऐसा शानदार तरीका मिला है। मैं आपको आज ले चलता हूँ उदयपुर नगरी के गुलाब बाग के अंदर। उसके अंदर एक ज्योतिषीय उपवन है जहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरह से जीवन में किस पौधे से आप अपनी उन्नति और तरक्की बहुत फटाफट से पा सकते हैं। तो चलिए, मैं लेके चलता हूँ अब आपको गुलाब बाग। तो देखिए, हम आ गए हैं अब गुलाब बाग में, और अब आप देखिए इधर से इसका रास्ता जाएगा और ये रास्ता आपको इधर से लेके जाएगा, जिससे कि आप ज्योतिषी उपवन की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से इसमें जानकारी अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जितने भी राशियाँ होती है उनके लिए एक निर्धारित पेड़ अपने जीवन के अंदर ज्योतिष के अनुसार पाया गया है। तो आप देख रहे हैं मिराज ज्योतिष उपवन। मैं खड़ा हूँ अभी उदयपुर के गुलाब बाग में। यहाँ आपको मैं इन राशियों की, देखिए इसके आप जो कि ये बना हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं सारे के सारे साइन जो कि अपनी राशियां हैं। 12 राशियां, 6 राशियां इस साइड में, 6 राशियां दूसरे पिलर पे। तो ये राशियों के सारे पेड़ इसके अंदर लगे हैं, और आपको पता चलेगा कि इसके किस राशि पे, जैसे मेष राशि पे कौन सा पेड़ काम करता है और मीन राशि पे कौन सा पेड़ काम करता है, और उस पेड़ को लगाने से हमारे घर में, उसको पूजा करने से हमें किस तरह से बेनिफिट हो सकता है या हमारे कितने दोष जो हैं वो दूर हो सकते हैं। तो ये आज आपको मैं सब इसके अंदर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, कैसे आपको इसमें पता चलेगा। ये अब हम एंट्री कर रहे हैं इसमें। मैं आपको दिखा दूं, गुलाब बाग जय उदयपुर के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त फेमस गार्डन है। यहाँ सब कुछ आपको हरियाली में दिखेगा, और यहाँ एक एक चीज़ आपको आज पता चलेगी कि कौन सी राशि पे कौन सा पेड़ हमारे लिए शुभकारी है। चल लीजिए, चलते हैं सबसे पहले मेष राशि के पेड़ की तरफ। तो लीजिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले नंबर की राशि मेष। उसके ऊपर कौन सा वृक्ष जो है आपके लिए फायदा करेगा। देखिए ये मेष राशि, और उसके ऊपर जो शुभकारी फलदायी पौधा है वो आंवला है। आप उसे घर में लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और इनका नक्षत्र भरणी व देवता यम है। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो राशि होती है वो होती है वृष। अगर मेष राशि का थोड़ा अंश उसमें है तो आप गूलर की पूजा भी कर सकते हैं। तो यानी सेकंड नंबर पे मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको, मेष और वृष का कॉम्बिनेशन में गूलर की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन यदि प्योर वृष राशि आपकी है, यानी संपूर्ण रूप से वृष राशि, तो उसके लिए जामुन की पूजा करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद में एक कॉम्बिनेशन और है, वृष और मिथुन अगर ये है तो उसके लिए खादिर का पौधा आपके लिए काम करेगा। अगर केवल मिथुन राशि है प्योर शुद्ध रूप से, तो उसमें आपके शीशम का पौधा आपके लिए फलदायी रहेगा, आप उसकी पूजा करेंगे। इसके बाद देखेंगे आप मिथुन और कर्क जिनका शामिल में है, उनमें बांस के पौधे की आप पूजा करें। आपके घर में बांस का पौधा लगाएं, बैम्बू ट्री आजकल बाजार में मिलते हैं, अगर वो लगाएंगे, उनकी पानी देंगे, सेवा करेंगे, तो वो आपको फल देंगे। इसके बाद में कर्क राशि वालों को पीपल की पूजा करनी चाहिए, पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वो आपके जीवन में काफ़ी फल देंगे। इसके पश्चात आप देख सकते हैं कर्क राशि में नाग केसर की भी पूजा करना अच्छा माना गया है, उसमें भी आपके जीवन में काफ़ी फल मिलने की उम्मीद रहती है। इसके बाद आप देखेंगे बड़ का पेड़ जो होता है, जिसको अपन बरगद का पेड़ कहते हैं, उसमें जो सिंह राशि के लोग हैं जिनके देवता पितृ और नक्षत्र मघा होता है, उनको बड़ के पेड़ में पानी देना चाहिए, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा शुद्ध फल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सिंह राशि में एक और पेड़ आपके लिए फलदायी माना गया, पलाश। लेकिन जरा आप इसमें देख लीजिए, पूर्व भाग फाल्गुनी जिनका नक्षत्र है और देवता जिनके भग हैं, उनमें पलाश का बहुत ज़्यादा जीवन में महत्व पाया गया है, उसकी आप पूजा करेंगे तो आपको अवश्य ही फलदायी जीवन में रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए उत्तर फाल्गुनी आर्यमा देवता और सिंह और कन्या अगर राशि है, तो वो वृक्ष पाकर आपके जीवन में, पाकर नाम का जो वृक्ष होगा वो आपके जीवन में काफ़ी फलदायी रहेगा।
राशि कन्या, अरीठे का पेड़ अगर आपने अपने घर में लगाया तो जीवन में वारे नारे हो जाएंगे, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इसका कोई तोड़ नहीं दुनिया में कि इसकी आप पूजा करें और आपके काम न हो, सबसे जबरदस्त बेनिफिट इस कन्या व तुला सम्मिलित रूप से राशि, उनके लिए बिल्व की पूजा करें, शिव जी को बिल्व चढ़ाएं, उन शिव बिल्व को पेड़ को पानी दें, आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। तुला राशि वाली को अर्जुन का जो पेड़ होता है, इसकी छाल वैसे मुख्यतः चोट में काम आ करती है और दांत वगैरह जो पीले हो जाते हैं उसमें भी बहुत बेनिफिट रहता है। अगर इसकी पूजा करी तो दोस्तों वायु देवता प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के अंदर वायु के समान यानी तेज हवा के समान आपके जीवन में तरक्की का प्रवेश। राशि वृश्चिक, और उनके लिए जो पौधा है वो चीड़, अपने घर में छोटे रूप में आप चीड़ लगा सकते हैं, वैसे तो जंगलों में पाए जाने वाला पेड़ है पर छोटे रूप में आप अगर चीड़ लगा के उसकी पूजा करेंगे, रोज धूप ध्यान बत्ती करेंगे तो जीवन में काफ़ी फल प्राप्त होगा, इंद्र भगवान उससे प्रसन्न होंगे। राशि वृश्चिक और वृक्ष, उनके लिए मौलश्री देवता उनके मित्र होते हैं अनुराधा नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है। तुला और वृश्चिक सम्मिलित राशि, वृक्ष का नाम कटाई अपमार्ग। धनु राशि और वृक्ष, उनके लिए साल बेहद फायदेमंद, देवता उनके निर्तक होंगे। राशि धनु और वृक्ष जो होंगे उनके जल वेतस, देवता भी उनके जल ही होंगे। राशि धनु और मकर जिनका है, कटहल की पूजा कर सकते हैं वो, जिससे कि उनके जीवन के अंदर फल मिले। राशि मकर संपूर्ण रूप से और वृक्ष उनके लिए मदार, इनकी पूजा करें, बेहद फायदेमंद हो जाएंगे। दोस्तों इनमें कई प्रकार के वृक्ष ऐसे हैं जो आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप नर्सरी में जाके इनके वृक्ष ले सकते हैं और उनकी पूजा पाठ करना शुरू करें सही समय पे, तो आपके जीवन में काफ़ी बेनिफिट आपको मिलते चले जाएंगे, जीवन में सुधार की गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाएगी। राशि मकर व कुंभ जिनकी है, उनके लिए वृक्ष शमी, ये बहुत ही जीवन में अंदर फायदा देगा आपको, एक बार बस इसकी पूजा करना शुरू कीजिए। राशि कुंभ और वृक्ष है उनके लिए कदंब, ये देखिए कदंब का पेड़ आपने नाम सुना होगा, कई बार देखा भी होगा। राशि कुंभ व मीन जिनकी सम्मिलित रूप से है, उनको आम की पूजा करनी चाहिए और ज्यादातर देखा गया है इनको आम बेहद पसंद होते हैं अपने जीवन के अंदर, इसलिए आम के पेड़ पे जल चढ़ाना न भूलें, रोली मोली से उनकी पूजा करें, जीवन में आपको काफ़ी फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। मीन राशि, उनको नीम का पेड़ की पूजा करने की सलाह दी जाती है ताकि वो अपने जीवन के अंदर काफ़ी बेनिफिट पा सकें, नीम के पेड़ पे जल चढ़ाइए, रोली मोली से स्वागत कीजिए और अपने जीवन में तरक्की करते जाइए। और एक और लास्ट में मीन राशि जिनके हैं, जिनमें देवता पूषण है, नक्षत्र रेवती है, महुआ के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना अपने को कि हम किसकी पूजा करें, हम मीन में मैंने दो दो तीन तीन कॉम्बिनेशंस बताए हैं, जरा कुंडली में देख के देवता पूषण और नक्षत्र रेवती है, इस तरह की आप जानकारी सिर्फ लेते रहें, इससे कि आपको आपका बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग पता चल जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वीडियो ध्यान से देखें और नक्षत्र और देवता के हिसाब से इसका चयन करते चले जाएँ, आपके जीवन में अवश्य ही फलदायी आपको परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए ये पूरा परिदृश्य ज्योतिष उपवन मिराज गार्डन के, और मैं आपसे कुछ बात करवाऊंगा, यहाँ के जो गार्डनर है माली है, सर कब से ये गार्डन यहाँ पे चल रहा है? ये चल रहा है 2006 से। तो यहाँ पे आते हैं काफ़ी लोग देखने के लिए? आते हैं तो यहाँ देख के मतलब उनको बेनिफिट होता है, पूजा होता है और भीड़ पड़ती है शाम सुबह भीड़ पड़ती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ के गार्डनर, शुभ नाम सर आपका? प्रताप सिंह जी ने आपको बताया इसकी जानकारी, एक बार अपने जीवन में जरूर उदयपुर आइए और उदयपुर आके गुलाब बाग के इस ज्योतिष उपवन में जरूर आइए, जिससे कि आप अपने जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है तो यहाँ से उसका एक समाधान मिले। वैसे तो इस वीडियो को देखने से आपको सारी जानकारी